हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक मुझे पर्दे थोड़े बहुत खोलने चाहिए. देयर वी गो, लेट इन सम नेचुरल लाइट. सो टुडे इज़ अ वेंसडे, स्टार्टिंग अ व्लॉग ऑन अ वियर्ड डे. जस्ट अ नॉर्मल वेंसडे, वी हैव बीन रियली बिजी. अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो जो फिल्म की थी अपने इस कैमरे पे, उसमें माइक सही से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं था एंड इट वॉज म्यूट. मुझे बहुत गुस्सा आया, बट वी हैड टू डू इट अगेन. Thank God we did that and you guys enjoyed it. Now, the issue at hand is that हमारा टी वी जो है वो ख़राब हो चुका है. ये है एक्चुअली, आई एम रियली रियली अनॉयड बिकॉज दिस इज़ अ न्यू टी वी वी गॉट फ्रॉम सैमसंग और ये ख़राब हो गया है. एंड इसको सिर्फ चले हुए एक महीना हुआ है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट इज़ पॉसिबल. तो हमने कंप्लेन किया है, थैंक गॉड हमारे पास अभी तक वारंटी है. सो द गाइज़ गोना कम एंड आई डोंट नो व्हेन ही इज़ गोइंग टू कम. कंप्लेन करते हैं और वो 10 लोगों से बात करनी पड़ती है और फिर जाके कुछ होता है. तो अभी तक कोई आया नहीं है, 2 दिन हो चुके हैं. एंड या सो दैट्स द अपडेट. जाना है काम पे. माई न्यू NIC इज़ कमिंग. मेरा NIC चेंज हुआ था तो उसको मुझे पिक करना है. आई हैव बीन सो बिजी, हैविंग गॉटन टाइम टू पिक इट अप, बट होपफुली टुडे और टुमारो वी आर गोइंग टू पिक इट अप. ऑल्सो आई हैव टू पे माई क्रेडिट कार्ड बिल. वो बिल आई थिंक कब से चल रहा है, विच आई नीड टू गेट रिड ऑफ. सो होपफुली दैट इज़ गोइंग टू बी डन विद इन द वीक. आई विल अपडेट यू ऑन दैट. ओके, सीन बैड है. बैड ये है इस तरह से कि मेरी क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो मुझे करनी थी, आई थिंक मैंने पहले भी इसके बारे में बोला था कुछ, मैंने कि मेरा चेक जो है वो रिटर्न हो गया क्योंकि उसमें मैंने डेट कलर डाल दी. नेवर डिड दैट बिफोर, बट पता नहीं क्यों मैंने कैसे कर दिया, मैंने डेट कलर डाल दी. सो रिटर्न हो गया, लास्ट मंथ की बिल प्रोसेस नहीं हुआ. देन अगेन सरचार्ज लगा, इस महीने पेमेंट करनी है. अभी मैंने बिल उठाया है घर से एंड नाउ वी आर गोना गो पे द बिल. मगर देयर इज अ कैच, अभी बैंक्स बंद हैं क्योंकि नमाज का ब्रेक है. आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट नो दैट. नाउ वी आर गोना गो समवेयर एंड देन कम बैक एट 2 टू पे द बिल और होपफुली गो टू अनदर ब्रांच जो खुल जाए 2 बजे तक. सो दैट्स द अपडेट. एंड एक और अपडेट ये कि नुमान ने अपने लिए अभी मकई ली है. नुमान को मकई बहुत पसंद है. तो ये नुमान है अपनी मकई के साथ, वेरी वेरी हैप्पी. एंड आज हम निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं. वी हैव डन हाफ डे टुडे बिकॉज़ इट्स फ्राइडे. ओ, क्रेडिट कार्ड बिल पेड व्हिच इज़ ग्रेट. नाउ वी आर गोइंग डाउन क्योंकि हम जा रहे हैं डिनर पे टू नुमान चाचूज प्लेस. तो गो देयर और जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि अपडेट हो गया है और वेरी अनोइंगली 140 रुपीज़ ज़्यादा पे हो गए. सो लेट्स सी हाउ वी गोना फिक्स दैट. बट आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस बैंक अकाउंट एंड मैं अपना क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल करवाना चाह रही हूँ. सो एज सून एज इट हैपेंस, आई मीन द जर्नी इज वी आर गोना बी देयर टुगेदर. लेट्स गो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज है हम डॉलमन मॉल में. आई एम हियर विद माय कंपेनियन एज ऑलवेज, जो आपको आधे दिख रहे होंगे शायद, बट दैट्स बिकॉज हमारी हाइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. एवरीबडी कीप्स ब्रिंगिंग दैट अप. आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हाइपर स्टार बिकॉज वी आर गोना मेक चपली कबाब. बहुत मूड, ओके, बहुत मूड हो रहा था चपली कबाब का. ओह माय गॉड. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हाइपर स्टार गेट चपली कबाब का सामान. मुझे आई ड्रॉप्स चाहिए थे क्योंकि मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया है. बट आई कुडंट फाइंड दोज आई ड्रॉप्स, सो नाउ वी जस्ट गोना गो टू हाइपर स्टार एंड गेट द स्टाफ टू मेक चपली कबाब. तो या लेट्स गो. इंस्ट्रक्शन इज दैट अनारदाना लेना है जो कि हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा एंड ऑल्सो तेल लेना है. सो वो मुझे दिख रहा है, मगर यहाँ पर फिल्म करना मना है. सो आई एम लाइक हाइडिंग अ लिटिल बिट. ऑल्सो वी गॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड. लुक, हमने सारी जिम की चीज़ें ली हैं बिकॉज वी गेटिंग फैट, सो वी लाइक लेट्स गेट सम स्टफ और घर पर एक्सरसाइज करते हैं. सो चपली कबाब के बीच में वी जस्ट काइंड ऑफ गॉट डिस्ट्रैक्टेड. बट नाउ टारगेट इज टू गेट अनारदाना. लेट्स डू इट. Guys, whenever you come with Numan, you should know कि हमें chips section जरूर आना पड़ेगा क्योंकि Numan chips बहुत शौक से खाते हैं. There we go. Yeah, babes. Great. We're getting gym equipment and chips. Great. That's how you should live. Guys, what is my life right now? Nomi, what are you watching?
I'm just reading about coronavirus. Oh damn, coronavirus is so sad, guys. Excuse the way I look, magar ab like bahut ho gaya coronavirus. We need to get rid of coronavirus. Maine padha tha kahin pe, somebody said that you have to keep yourself hydrated. It is not a very deadly virus. Spread bahut karta hai, just like any flu. But if you have a strong immune system, to phir wo nahi spread karega. So please keep yourself safe, away from people who are sick. Jo log bimar hain, unko recover hone dein sahi se. Do not go near them. Use masks. Wash your hands. Drink a lot of water. Aur matlab ehtiyat kare, because coronavirus is just, I mean, itna deadly nahi hai, but agar aapka immune system weak hai, to phir deadly ho bhi sakta hai. Actually, fun fact, hamare TV pe hamesha do cheeze chalti hain, ya to friends ya phir cricket. तो अभी चल रहा था क्रिकेट, और नुमान क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं. नो, हु आर यू सपोर्टिंग इन पीएसएल? आई एम सपोर्टिंग कराची, बट वैसे लाइक इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग कराची, देन मुल्तान. मुल्तान, ओह, व्हाई मुल्तान? वैसे क्योंकि वो पहली दफा है. या आई थिंक दे हैव अ गुड टीम, एंड आई थिंक. व्हाट अबाउट लाहौर? हाँ यार, अब मैं चाहता हूँ वो जीते एक आध मैच तो एटलीस्ट, लेकिन बेचारे हार जाते हैं. या आई थिंक अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम किसकी है वैसे? क्वेटा. हमेशा से उन्हीं की क्यों होती है? पता नहीं, उनकी अच्छी है. इस दफा भी वही जीतेंगे वैसे. गोरा ग्लैडिएटर्स लास्ट टाइम भी वही जीते थे ना? लास्ट टाइम भी वही जीते. इज इट बिकॉज़ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी? नहीं, आई थिंक दे हैव अ वेरी कोऑर्डिनेटेड टीम. वो वैसे भी लाइक अदर देन पीएसएल खेलते रहते हैं क्रिकेट काफी. दे हैव देयर ओन एकेडमी एंड एवरीथिंग. So there's strong coordination between the boys and everybody. Ah, who's your favorite player in PSL? I'm like doing a proper interview. Nahi, I don't think there's anybody. Like, I like Afridi, Malik, all these stars. Yeah. Okay. So अब सीन ये हुआ है कि नुमान भी हो गए हैं थोड़े से फेमस, तो उनको भी लोग अब PR packages भेजना शुरू कर रहे हैं. So नुमान has received his very first proper PR package. How cool is that? इनको आए हैं perfumes from SK perfumes. तो एक है पोलो ग्रीन और एक है टेरा डी हर्मेस. दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ ट्राइंग आउट ब्रांडेड परफ्यूम्स, जो कि बहुत महंगे होते हैं, एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. जो परफ्यूम है आई थिंक थोड़ा सा डायल्यूटेड होता है दैन द ओरिजिनल, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सस्ती प्राइस पे है, बट हाँ कंटेंट थोड़ा कम होता है. बट द थिंग इज के आई मीन ओरिजिनल हर्मेस वुड प्रोबेबली बी ओवर $100, एंड दिस इज मतलब 1500-2000 रुपए तक की. यू कैन ट्राई, एग्जैक्टली, यू कैन ट्राई एंड यू हैव लाइक. एंड बाय द वे मेरे पास ये व्हाट यू कॉल इट, YSL का ब्लैक ओपीएम ओरिजिनल है, एंड इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दिस, लाइक 19 बीज, लाइक 19-20 डिफरेंस. So yeah, and this is very unique, Gucci bamboo. Agar kisi ke paas ye perfume hai, my god, this actually I would use this perfume kisi vacation pe, and I'm lying in on a beach. So yeah, anyway, maine cheeze khareed li hain chapli kebab ke liye. Hum soch rahe hain Saturday ko banaye, abhi filhal Thursday bhi nahi hai, abhi Wednesday. My god, this week is slow. So now I'm just gonna go take a shower, wash my hair. Baal toot rahe hain, main soch rahi hu haircut karwa lu is hafte, so shayad wo bhi ho. And then we will see if I can dye my hair. I really want to dye my hair, magar pehle dekhna hai baalon ki health kya hai. So let's see. Meantime, let's wash my hair. I'm gonna charge my camera, and I'll see you in a bit. Okay, I think I'm gonna try this one because main kal se isko dekh rahi hu. Meri isme rakha hai, maine aaj tak istemal nahi kiya hai. This mask is from Mama's Oil Hair on Fleek Hair Mask, aur iske saath छोटा सा ऑयल आया है और शावर कैप्स आए हैं और एक स्पून भी आया है. सो यू आर सपोज टू मिक्स दिस विद दिस ऑयल और साथ में थोड़ा सा योगर्ट, और उसके बाद ये शावर कैप लगानी है अपने बालों में. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. इसको लगाएंगे फ्रॉम रूट्स ऑल द वे टू द लेंथ ऑफ द हेयर. तो शुरू करते हैं. मास्क लगा लिया है
और इसको 2 घंटे तक अपने बालों में रखना है। मैंने अपने बालों के एंड्स में ये लगा लिया था, ये एक किशमिश ऑर्गेनिक्स का हेयर ऑयल है और इसके अंदर सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा है। सो जस्ट पुट दैट ऑन द एंड्स ऑफ माई हेयर। अब बस 2 घंटे का वेट है एंड देन वी विल सी व्हाट द हेयर लुक्स लाइक। हेलो, तो मैंने हेयर मास्क धो लिया है एंड माई हेयर फील रियली रियली गुड। बहुत सॉफ्ट फील हो रहे हैं एंड दे लुक शाइनी एंड या आई लाइक इट। अभी मैं सो गई थी अपने बालों में, अगर मैं नहीं सोई होती ना अपने गीले बालों में तो ये और ज़्यादा लाइक शाइनी लगते, बट आई टाइड अप माई हेयर एंड आई स्लेप्ट, बट द रिजल्ट लव इट। आई थिंक दही का कमाल है ये सारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले टुडे। आज है संडे, बहुत शदीद गर्मी है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर। तो पहले प्ले देखेंगे उसके बाद पिक्चर खींचेंगे। So happy I'm seeing my parents today. Bugsy bhi hogi, Kemi bhi hoga, so it's gonna be fun. And also Nooms is also joining us. So yeah, let's go. It's really hot. Babs, are you bored from life? Not exactly. Look like it though. What's up? Nothing. You love the music? I hate the music. Same. Numan loves the music. He just doesn't admit it. Demu loves the music. I like the tabla touch. Guys, we're at arts council and we're here to watch a play. So we're gonna watch a play and then I'll catch you in a bit. Guys, so we are at charcoal today after a long time. Oh, thank you. And we've all ordered steaks except mom and dad, no, chicken order kiya. What? And T-Dog has also ordered steak. Bubsy, what have you ordered? Pasta. Pasta. Noam, what have you ordered? But it's different pasta this time. You can't judge me, people. Lol. Noam, what have you ordered? I've ordered mushroom steak. Yummy! And fries. Assalamu alaikum, everybody. Today is a Saturday. And we are going to the Gul Plaza. Because we are going to take some stuff. The first thing on my list is to get a vase for over here. Yahan pe maine temporarily abhi ye rakh diya hai, less yoga sign, but I want to put like a bluish vase here. So iske liye ek cheez dekhni hai and then maybe for those shelves at the back. So it's like we want to see some stuff. And this is my outfit abhi. Ye maine khadi se li thi bahut pehle and I've decided to wear it today. And my pants are from Outfitters. और ये दुपट्टा बस मेरे पास आई थिंक मेरी अम्मा का था एंड या लेट्स ओह आई हैव लिपस्टिक ऑन माय टीथ दैट्स बेटर लेट्स गो नाउ वी आर एट गुल प्लाजा हम लोगों ने 2 बड़े काम कर लिए हैं एक हम लोगों को सूटकेस लेना था हमने ले लिया है नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ मिरर जो कि हम लगाएंगे अपने लैंडिंग पे स्टेयर्स लैंडिंग तो हम गुल प्लाजा आ गए नेचुरली बिकॉज गुल प्लाजा में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं वेरी नाइस थिंग्स और हम देख रहे हैं सो आई विल कीप यू अपडेटेड अलैकुम तो हम लोग आ गए हैं वापस घर जैना मार्केट से जैसे कि आप मेरी शक्ल से देख सकते हैं आई लुक लाइक एब्सोल्यूट शिज और मज़े की बात ये कि जो हम लोग लेने गए थे वो हमें मिल गया है वी वॉन्टेड टू गेट अ वाज वी गॉट अ वाज और उसके साथ मैंने कुछ आर्टिफिशियल फूल वगैरह भी लिए तो अब आए उसको सेटअप करते हैं और उससे पहले पानी पीते हैं really thirsty. Can you make it up here and set my I'm on top of the roof, you've been here before I just wish you a lot, and I know that I got to let you know Somebody said you are the last one of your kind So there you have it, the vase is complete, looks beautiful अब मैंने सोचा है कि मैं यहाँ जो मेरी स्किन केयर सेक्शन है उसके लिए मैं एक ब्लैक मार्बल ट्रे ले लूँगी और मे बी आई कैन गेट ब्लैक मार्बल ट्रे फॉर हेयर और फॉर हेयर
जो कि मेरे घर पे रखी है. सो आई कैन जस्ट गेट इट एंड आई लव दिस. दिस लुक्स सो नाइस. लव इट. Because that's the first vlog. Guys, so you know, घर वो होता है जहाँ पे आपको बिजली के स्विच याद होते हैं. I literally used to study in this room when I was doing my matric and inter both. मैं इस कमरे में आके पढ़ा करती थी. ये जो टेबल है ये वहाँ होती थी, ये सोफ़ा इधर होता था और मैं इस टेबल पे सीट लगा के पढ़ा करती थी. Good times. बहुत रट्टे लगाए मैंने इस कमरे के अंदर. But now, Bubsy and I are watching a movie. But it was already in our pre-search. Oh, Bubs, we could also watch 27 Dresses. What do you say? Mean Girls or 27 Dresses? Mean Girls. Okay, we're watching Mean Girls. We need to do the big laugh. Let's do it. Assalamu alaikum. It's been a busy day in the अनुशे नुमान हाउस होल्ड. इस तरह से कि सुबह सुबह उठ गए, एक वीडियो फिल्म करनी थी कोरोना वायरस के लिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स रिलीज़ कर रहे हैं फॉर द पब्लिक. तो बहुत सारे लोग उस वीडियो में होंगे, होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी. नेक्स्ट हम गए चश्मे उठाने. मैंने नए चश्मे बनाए क्योंकि मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि आपके मुँह पर जो आपके चश्मे हैं वो अच्छे नहीं लग रहे. और मैंने आजकल चश्मे ऑफिस में भी पहने हैं. बट लाइक ओ दे डोंट लुक गुड ऑन यू एंड आई एम लाइक ओके नॉट दैट आई लेट दीस काइंड ऑफ थिंग्स गेट टू मी. मगर मैंने सोचा कि 8 साल से एक ही चश्मे का स्टाइल है, हाउ अबाउट वी चेंज इट. तो आई एम गेटिंग न्यू ग्लासेस. ऑल्सो आई गॉट सम न्यू सन ग्लासेस जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी. आई हैव वे टू मैनी बट मैंने कभी भी सन ग्लासेस खुद नहीं खरीदे, मुझे हमेशा पी आर मिले हैं. तो पहली दफ़ा मैंने सन ग्लासेस खरीदे, लाइक दिस इज़ नॉट पी आर. अब हम ले रहे हैं मकई का आटा क्योंकि हम बनाएंगे चपली कबाब. आज आ रहा है PSL का मैच और नुमान उस चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड थे. तो आई वाज लाइक ओके हाउ अबाउट आई जॉइन इन विद द एक्साइटमेंट इफ आई मेक चपली कबाब. ऑल्सो आई एम गोना बी कुकिंग. एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम कुकिंग इन माई ससुराल, इट्स गोना बी माई सेकेंड टाइम. मैंने पास्ता बनाया था और आज बना रही हूँ चपली कबाब. सो आई एम जस्ट गेटिंग मकई का आटा. अभी कीमा लेना है और मुझे बहुत डांट पड़ती है कीमा बोलने पे. इट्स एक्चुअली क़ीमा. ही हैज वेट ओके आटा भी और साथ में वेयर इज द आटा. आई ओनली सी चिप्स. आटा भी होगा कहीं. मिस्टर नोम्स इज वेरी बिजी वाचिंग द मैच. पान वर्सेस क्वेटा. क्वेटा का पटान है आप? आप पहचान रहे हैं? नहीं बाय द वे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्यू एन ए में. सेव इट डोंट आंसर इट नाउ. We're gonna do a Q&A and then okay. Guess what? I'm making chapli kebab. Really? Yeah. You excited? Really? Can you make chapli kebab? Jaise? YouTube video follow करके बना रही हूँ. अच्छा. अभी तो उसी के लिए सारी चीजें ली हैं. Best of luck. Thank you. We have all the stuff to make chapli kebab. यहाँ पे हमारे पास प्याज है, हमारे पास धनिया है, we have अदरक लहसुन का पेस्ट. We have mirch, anda, and then all the masala that go inside the chapli kebab. पहले हम सोच रहे थे शान मसाले का बनाए, but we're like no, let's do it the authentic way. तो एक YouTube पे रेसिपी मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो सारे मसाले जो हम इस्तेमाल करें, we have anardana, we have Zeera powder, then we have garam masala, then we have kali mirch, namak, and ये क्या है Ajwain, and then we have red chilli flakes. And we have कुटा हुआ हरा धनिया. तो ये सब चीज़ें इधर जाएंगी. वी हैव आर कुकिंग ऑयल्स. मैं सोच रही हूँ घी इस्तेमाल करूँ. एंड देन वी हैव द एग. दिस इज मुल्तानी आटा है ना, मुल्तानी मखान मखान मकई का आटा. मुल्तानी आटा मकई का आटा एंड टमाटर. तो अभी जो गोश्त है वो गीला है तो उसमें से पानी पहले निकलेगा. एंड देन वंस इट्स ऑल ड्राई वी आर गोना स्टार्ट मैरिनेटिंग इट. इस पहले हम अंडा फ्राई करेंगे. ये नई चीज़ है बेसिकली, ये कि पहले फ्राइंग पैन में इसको तल लें और पूरा ऑमलेट बना के अलग कर लें और जब आप सारी चीज़ें मिक्स करें ना तो उसमें बना बनाया ऑमलेट मिक्स करें. सो दिस इज़ न्यू, दिस इज़ अ ट्रिक वी सॉ. सो लेट्स फ्राई दैट फर्स्ट. Thank you.
बी सो प्राउड मैंने ये बहुत गोल बनाया है. ऑलराइट, अंडा ऑल डन, बहुत गोल बना है विच इज़ नाइस. अब मीट जो है वो रेडी हो गया है, वी कैन स्टार्ट मेकिंग इट. लेट्स डू इट. कर रही हूँ एक अंडा और इसी के साथ ऐड आटा, मगर आटा मैं हल्के हल्के ऐड कर रही हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट दे सेड इन द वीडियो के आप कंसिस्टेंसी चेक करें. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. दिस शोज आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड कुक. सो नाउ आई एम एडिंग द टमाटर और अभी थोड़ा और इसको पीसना है. Okay, let me show you how it's done. Oh wow! देखिए बस प्याला ना टूटे. Guys, don't you just love this view? Don't get used to it. इसको थोड़ी देर छोड़ें और फिर हम इसको fry करेंगे. मैं जा रहा हूँ मैच देखने. Okay, bye. अंडा तो डाला ही नहीं, अंडा भी डालना है बाय द वे. इसके बाद हम लेंगे, ब्रेक करेंगे और मिक्स कर देंगे इसमें. There we go. Qeema is ready. Kitchen counter is all clean. Now it is time to fry this bad boy. Let's do it. हमने घी खोल लिया है. स्पेसिफिकली हम इस काम के लिए घी लेके आए थे. अब कबाब थोड़े बेहतर होना शुरू हुए हैं. वी टेस्टेड, थोड़ा सा नमक मिर्च कम था तो वो और डाला है. दिस वॉज द फर्स्ट अटैम्प्ट. नाउ दिस इज प्रोफेशनल. कबाब ऑल डन. और ये जो पहले कबाब थे जो टूट गए थे उनका हमने कीमा बना लिया है एंड ऑनेस्टली इट टेस्ट्स अमेजिंग. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू ईट दिस एंड सर्व दिस टू द पीपल नाउ. सो नो मी, आर यू गोना ट्राई द कबाब्स? दे लुक लवली. हाउ वाज माय प्रेजेंटेशन? अमेजिंग. आपकी मम्मा ने हेल्प किया इसमें. लग रहा है. अच्छा चलें ट्राई करें भाई कबाब कैसे हैं. मैं वेट करूं बाकी सब भी आ जाए. चलो ठीक है फिर आपसे रिव्यू लेते हैं. ठीक है. सो आई वाज जस्ट एडिटिंग द ब्लॉग एंड आई सॉ कि मैंने इसको ख़त्म नहीं किया है. तो कबाब जो थे वो बहुत मज़े के बने. हमने अभी भी नाश्ते में अभी वही कबाब खाए हैं एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज आई मेड देम बट कबाब्स वर वेरी वेरी गुड. I hope you like this video. Make sure to give it a big thumbs up, subscribe to my channel, and I will see you soon in my next week's video. Bye!